मतलब यहाँ कह सकते हैं कि दीघा हाट पर मतलब शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और यही आपको आज हम नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो दीघा हाट घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन यहाँ की जो रस है, यहाँ रस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है और यहाँ पर घूमने में ज़्यादातर मतलब मज़ा आ रहा है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं दीघा हाट की पूरी मतलब की अंदर के नज़ारे, क्या मार्केट्स लगती है क्या नहीं लगती है। तो चलिए चलते हैं मार्केट्स की तरफ। तो ये रहा आपका दीघा मार्केट, जो हमारे घर के तरफ ही पड़ जाता है, और यहाँ से आपका बगल में हाजीपुर सोनपुर के लिए ब्रिज मिल जाती है, जो नया वाला ब्रिज बना है आपका। और यहाँ पर मेरी पुराने बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बार आया करता था घूमने फिरने के लिए, और बहुत ही मज़ा आता था यहाँ पर। शाम के समय में यहाँ थोड़ी भीड़ हो जाती है। यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा है, अगर आप घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का शाम का मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, घूम सकते हैं।
तो हमारे सामने जो है, जो आप वेज मंचूरियन देख रहे हैं, ये आपको बेली रोड में भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ का बनाने का तरीका कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि मतलब वेज मंचूरियन बनाते समय इन्होंने मतलब कि जो स्पाइसेस डाली है और जिस तरह की मतलब कि सॉस डाले हैं, मतलब ये चीज़ मतलब मैंने पहली बार देखी है यहाँ पर डालते हुए। तो देखते हैं यहाँ का खाकर क्या मज़ा आने वाला है। और दीघा घूमकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रश बहुत है, भीड़ बहुत है, आवाज़ें आप सुन सकते हैं, और मेरे पीछे जो जाम लगी है वो बहुत ज़्यादा मतलब लंबी लाइन लगी हुई है। तो अभी हम शॉर्टकट अटल पथ से जाने वाले हैं, तो अटल पथ से होते हुए हम लोग अभी रास्ता पकड़ेंगे और उधर से अभी शॉर्टकट निकलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं पिछली बार घर आया था तो उस तरफ भी बहुत सारे जाम लगे हुए थे, तो उस तरह से मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी अटल पथ से होते हुए शॉर्टकट निकल जाऊँगा और उसके बाद देखते हैं घर जाने का रास्ता। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को मतलब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।